जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप के रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये बातों की जलेबी छानना है, लेकिन हरियाणा के चुनाव के मैदान में राहुल गांधी के इन शब्दों पर बीजेपी को स्वाद आ गया है। जलेबी वो फैक्ट्री में बना रहा है, उसको यही नहीं पता कल वो जलेबी की बात कर रहे थे। जलेबी कहते फैक्ट्री में बनती, कौन सी फैक्ट्री है अभी जिसमें जलेबी, कौन सी फैक्ट्री में जलेबी बनती? जलेबी बनती है वो हलवाई की दुकान में। और ये कह दिया भी ये जलेबी से 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी जलेबी से। हुण मैनू दसो केड़ी जलेबी ते केड़ी है जी जी ते 50,000 लोगों नू सिद्धी जलेबी होगी। कोरोना की जलेबी को अमेरिका भेजा जाएगा, इसके बारे में जलेबी कैसे बनती है इसकी समझदारी बहुत जरूरी है। अच्छा होता तुमने चिट लिखा है थोड़ा प्रॉपरली फ्रेम करते। राहुल जी होमवर्क नहीं करते हैं, आपने कई बार मेरा टीवी पर कमेंट सुना होगा। बीजेपी भले राहुल गांधी की समझदारी पर यकीन न करती हो, लेकिन राहुल गांधी जलेबी को वोटों की जलेबी बनाने की तैयारी पूरी करके आए थे। राहुल गांधी ने जलेबी का डब्बा एक हाथ से ऐसे हवा में लहराया जैसे वो संविधान की किताब लहराते रहे हैं। मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा और फिर वहां मौजूद पब्लिक को बताया कि उन्होंने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को जलेबी भरा मैसेज मारा है। मैसेज मारा है, ये हमारे शब्द नहीं, राहुल गांधी के अपने शब्द हैं। प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है, मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। प्रियंका को जलेबी भरा ये मैसेज मारने के बाद राहुल गांधी ने अपने विचारों की महक उसी तरह फैला दी जैसे गर्मा गर्म जलेबी की महक छाने के बाद सबको ललचाती है। जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप के रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। अब ये राहुल गांधी के विजन वाली जलेबी से होगा क्या, ये भी उन्हीं से जान लीजिए। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। राहुल यही नहीं रुके, अर्थव्यवस्था पर हम 10 साल से मोदी नॉमिक्स सुनते आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की जलेबी नॉमिक्स को राहुल गांधी के मुताबिक मोदी का चक्रव्यूह रोक रहा है। अगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है,
जैसे यहां पे महाभारत में कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। राहुल गांधी ने वोटों की लड़ाई में जलेबी दौड़ लगाई, नरेंद्र मोदी को घेरा, तो मोदी पीछे कहां रहते। लेकिन प्रधानमंत्री का सीधा या दो टूक जवाब नहीं आया, जवाब आया जलेबी की ही तरह घुमावदार। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। वैसे राहुल गांधी के चुनावी कैंपेन में जलेबी एकदम ताजा आइटम है, लेकिन राहुल गांधी ने अब की बार चुनाव प्रचार में बातों बातों में ऐसा डोज दिया है कि हंसते हंसते सबके पेट फूल जाएं। मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं, एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी, और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए, अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कहना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, दो तीन बार चिल्ला भी लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। देखिए आपने मीडिया पे आपने देखा होगा ना, राहुल गांधी को देखा शादी में, बात क्लियर हो जानी चाहिए कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। बात क्लियर, जब जलेबी वाला अर्थशास्त्र समझा रहे हैं तो याद कीजिए मेड इन भोपाल, मेड इन मंदसौर, मेड इन धौलपुर, मेड इन चित्रकूट जैसी बातें भी वो पहले ही कर चुके हैं। आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं, वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। खैर, जब राहुल गांधी की जलेबी की बिक्री चुनाव मैदान में धड़ल्ले से शुरू हो ही गई है, तो उधर बीजेपी को राजीव गांधी का किस्सा याद आ गया। पता नहीं सच या झूठ, लेकिन बीजेपी तो सुना रही है। ये पुरानी बात याद आ गई, हम लोग के एक वरिष्ठ नेता थे भरत शेखावत, उन्होंने कहानी बताई थी कि राजीव गांधी राहुल जी के पिताजी जब भारत दर्शन में घूमते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो राजस्थान में खेतों में घूम रहे थे, तो किसानों से पूछा लाल मिर्ची का दाम कितना है, कहा इतना रुपये मन, कहा हरी मिर्ची का दाम कितना है, तो इतना रुपये मन, का मतलब है लाल मिर्ची हरी से महंगी है, तो हरी मिर्ची क्यों उगाते हो, लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते हो, तो इसका क्या जवाब दिया गया। उधर राहुल गांधी की जलेबी की धार की मार सीधा नरेंद्र मोदी पर भले हो, लेकिन कांग्रेस इस पर सीधे कौन कहे, जलेबी की तरह घुमाकर भी कोई प्रतिक्रिया देने से बचती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।